दोस्तों, क्या अक्षय कुमार ही है सरकटा जे आज तो, या फिल्म स्त्री 2 के ट्रेलर को देखने के बाद सभी इसी सोच में कि आखिरकार ये सरकटा है कौन और क्या ये अक्षय कुमार है। और इसकी एक बड़ी वजह कि यहाँ पर जाने को मिल रहा था कि अक्षय कुमार का एक बड़ा केमियो सीन है फिल्म स्त्री 2 में, तो यहाँ सभी उम्मीद यही लगा रहे क्या हो सकता है कि सरकटा और कोई नहीं बल्कि अक्षय कुमार ही हो और ये हमें फिल्म के लास्ट में पता चले। तो जैसे कि दोस्तों, यह फिलहाल तो इस बारे में पक्का नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिल्म में कई सारे ऐसे मोमेंट्स है जिनमें कि अक्षय कुमार शामिल हो ही सकते हैं। तो दोस्तों, यार सबसे पहले तो सरकटा जो कि फिल्म स्त्री 2 का विलन है जिसने कि स्त्री को भी स्त्री बनाया, तो ऐसे में इस किरदार में तो अक्षय कुमार हमें नहीं दिख सकते। यानी कि दोस्तों, यहाँ पर सरकटा के किरदार में अक्षय कुमार जिनके होने की उम्मीद लगभग 1% ही है। हालांकि दोस्तों, यह कहा जा रहा था कि अक्षय कुमार जो कि हमें उसी किरदार में स्त्री 2 में दिख सकते जो किरदार हमने देखा है उनका फिल्म भूलभुलैया में, हालांकि इसकी उम्मीद भी अच्छी खासी कमी है। लेकिन जैसे कि दोस्तों, यहाँ सबसे ज़्यादा उम्मीद है कि अक्षय कुमार जो कि हमें इस फिल्म में दिख सकते राजकुमार वाले किरदार में। जैसे ये सुनकर तो थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन यहाँ पर बात चल रही है राजकुमार राव की नहीं बल्कि उस राजकुमार की जिसने कि सरकटे का सर काटा था। यहाँ तो इस ट्रेलर में हमें देखने को मिल रहा है कि राजकुमार राव जो कि एक अलग तरह की पोशाक पहनते हुए दिखते, जिसे देखने के बाद यहाँ पर पंकज त्रिपाठी कहते हुए दिखते कि अब तुम असली राजकुमार लग रहे हो, और इसी लुक में राजकुमार राव जो कि जाते हुए दिखते सरकटे को मानने के लिए। तो जैसे कि दोस्तों, यहाँ पर ये तो आप सोच ही रहे होंगे कि आज सरकटे का सर आखिर कैसे कटा। तो जैसे कि दोस्तों, ये उसी राजकुमार ने काटा है जिसका लुक राजकुमार राव ने लिया है। तो ऐसे में हो सकता है कि वो राजकुमार जो कि पहले और कोई ना हो अक्षय कुमार ही हो, और यहाँ फ्लैशबैक वाले सीन में अक्षय कुमार हमें दिख सकते हैं, और यहाँ तक कि हमें राजकुमार राव के अंदर एक अलग तरह की रूह भी आती हुई दिख रही है। इसमें दोस्तों, यहाँ हो सकता है कि ये रूह जो कि हमें अक्षय कुमार के तौर पर दिखाया जाए। यानी कि दोस्तों, यहाँ काफ़ी सारी पॉसिबिलिटी है, लेकिन इस फिल्म के अंदर ही देखना होगा कि क्या सच में पहले तो अक्षय कुमार होते हैं और होते भी है तो वो किस तरीके से हमें दिखते हैं। साथ ही और बॉलीवुड से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।